जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इस टॉपिक के अंदर बहुत से ज़्यादा लोग फंस भी जाते हैं क्योंकि इसका तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ फिशिंग ईमेल्स या फिर फिशिंग हैकिंग के बारे में। आजकल अगर दोस्तों हम बता दें तो 100 में से 70% लोग फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आखिर फिशिंग होता क्या है, लोग फिशिंग में कैसे फंसते हैं और फिशिंग से हम कैसे बच सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सर पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित पांडे, बी टेक्निकल बी मॉडर्न। दोस्तों अगर हम फिशिंग की बात करें तो देखिए फिशिंग का मतलब होता है मछलियों का शिकार करना। जब कोई इंसान को कोई ना कोई ऐसी जरूरत पड़ती है मछलियों की तो हम लोग मछलियों का शिकार करते हैं और मछलियों का शिकार करने के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से उन मछलियों से हम काम करवाते हैं, या तो उनको बना के लोग खाते हैं या फिर उनको मार कर बेच देते हैं। तो मतलब अपनी जरूरतों के हिसाब से उन मछलियों से काम निकाल लिया जाता है। वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें इस फिशिंग के बारे में जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये एक डिजिटल तरह से फिशिंग होती है, मतलब एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि हैकिंग के बहुत से तरीके होते हैं और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि हैकिंग के बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आपका मोबाइल, आपके सारे अकाउंट्स, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स सारी की सारी हैक हो जाती हैं। उन्हीं तरीकों में से एक होता है फिशिंग। दोस्तों फिशिंग एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत से ज्यादा लोग बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अब फिशिंग में अगर हम बात करें कि लोग फंसते कैसे हैं, देखिए जब आपको कोई ऐसी लालच भरी चीज दी जा रही हो, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर फेसबुक एक सोशल अकाउंट है, फेसबुक पर बहुत से लोगों की प्रोफाइल बनी, बहुत से लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। अब ये फेसबुक अकाउंट जो आपका होता है ये एक रियल चीज है। अब इसी को लेकर अगर कोई फेक चीज बना रहा है तो उसको हम बोल देंगे फिशिंग के जरिए ये आपको फंसा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें लोग इसमें किन किन तरीकों से फंस सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट के जरिए आप फंस सकते हैं। सपोज एक वेबसाइट है, वेबसाइट अगर बात करें अमेजोन या फिर फेसबुक की, सपोज दे अगर हम फेसबुक की बात करें तो आपकी जो फेसबुक अकाउंट की वेबसाइट होती है वो आप किस तरह से फिल करते हो, www.facebook.com लास्ट में होता है। अब अगर कोई भी आपको फिशिंग का शिकार बनाना चाहता है तो दोस्तों उस वेबसाइट का आपको एक लालच देता है। जैसे कि फेसबुक पर आप देखते हो तो मार्केट प्लेस, मतलब कुछ ना कुछ सामान बेचने और खरीदने का काम भी होने लगा है फेसबुक पर। सपोज दैट कोई एक सोफा बिक रहा है जो लाखों की चीज है और आपको अगर हजारों में मिल रही है तो आप यही सोचोगे कि ये सोफा मिल रहा है लाख की चीज है और 1000 रुपए में मिल रही, तो इसको आप खरीदने की कोशिश करोगे। किसी हैकर ने आपके लिए एक वेबसाइट तैयार कर जो कि बिल्कुल मिलती जुलती facebook.com के जैसे। अब उसमें या तो बंदा स्पेलिंग्स गलत करता है या फिर डोमेन नाम गलत करता है, जैसे कि फेसबुक लिखा है तो उसकी फेसबुक की स्पेलिंग में कुछ मिसमैच कर देगा, या फिर जो .com होता है com उसकी जगह पर मान लो cm कर देता है, facebook.com लगा देता है और सोफा सेट का बेचने का प्रचार करके वो लिंक बनाता है और आपके ऊपर, आपके जैसे बहुत से लोगों के ऊपर सेंड कर देता है। आप सोफा सेट की इमेजेस देखते हो आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और साथ ही में आप ये देखते हो कि लाख की चीज 1000 में जब मिलने लगी तो आप उसको खरीदने की कोशिश करते हो और उस पर क्लिक कर देते हो। आपको पता है कि ये वेबसाइट फेसबुक के, जैसे आप क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है आपको अपना फेसबुक लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि फेसबुक का अकाउंट है, आपने अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड डाल दिया और आपका अकाउंट हो गया हैक, क्योंकि वो रियल फेसबुक अकाउंट की वेबसाइट नहीं थी, एक हैकर के द्वारा बनाई गई फिशिंग थी, एक मछली पकड़ने वाला जाल था और उस जाल में आप फंस चुके हो। वैसे ही अगर हम बात करें तो फिशिंग ईमेल्स भी आती है, बहुत से ऐसे ही लालच देने वाले, कोई ना कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, या फिर बहुत से आपको ऐसे लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं, मतलब आपको लालच दिया जाता है, आपको उस जाल में फंसाया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीजें आपको दिखाई जाती है जिससे कि आप क्लिक करते हो। आप SMS के द्वारा, मैसेज, व्हाट्सएप, सोशल अकाउंट्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप फिशिंग का शिकार हो सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें फिशिंग में क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए कोई ना कोई आपको ऐसी लिंक मिल जाएगी जिसपे आपको क्लिक करने के लिए बोला गया होगा कि अगर आप ये चीज चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक कर दो और अपनी डिटेल्स फिल कर दो। वो डिटेल आपकी हो सकती है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन,
कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका लॉगिन पासवर्ड हो सकता है, कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको फिल करना होता है, या फिर आने वाली उस ईमेल या मैसेज में कोई ऐसी अटैचमेंट फाइल होती है जो कि आपको खोलने के लिए बोली गई होती है और उसके बाद पासवर्ड डालकर आपकी इंटरनल डिवाइस में एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, जिससे आपकी डिवाइस हैक हो जाती है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है दोस्तों। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि फिशिंग वेबसाइट किस तरह से बनी होती है, फिशिंग मैसेज किस तरह से बने होते हैं। आपके टेक्स्ट मैसेजेस में भी बहुत सी ऐसे फिशिंग मेल्स डेली आती है, बहुत से ऐसे फिशिंग मैसेजेस डेली आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि इनसे बचना कैसे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप एक वेबसाइट पर हो तो आपको कोई भी ऐसी वेबसाइट मिलती है किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा, तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट को ना खोलें। अगर आपकी कोई फ्रेंडली वेबसाइट है जिस वेबसाइट को आप जानते हो, तो उनकी दी गई लिंक से आप क्लिक मत करना। वही वेबसाइट का एड्रेस जो आप जानते हो, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर जो भी आप ब्राउजर चला रहे हो उसमें जाकर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। दूसरी बात, अगर उन्होंने जो वेबसाइट दी है आप रियल वेबसाइट से उसकी स्पेलिंग्स वगैरह मैच करो, डोमेन वगैरह मैच करो, अगर आपको कुछ भी शक लग रहा है तो डायरेक्ट उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। और अगर कोई ऐसी मेल आ रही है जिसमें कोई अटैचमेंट फाइल है, आप उसको डायरेक्ट मत खोलना ऐसे, अगर कोई भी अननोन पर्सन आपको लग रहा है। अगर आपको नहीं पता कि ये मेल कहां से आई, आपके नॉलेज में नहीं कि किसी ने मेल भेजा है, फिर भी मेल आ चुकी है, तो कोई भी ऐसी अटैचमेंट फाइल या फिर लिंक आप मत खोलना। और दोस्तों फेसबुक पर कई सारे ऐसे एड्स चलते रहते हैं जो आपको क्लिक करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसी किसी भी अननोन वेबसाइट, किसी भी ऐसी अननोन लिंक पर आपको दोस्तों क्लिक नहीं करना है। आप अगर क्लिक कर देते हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हैक हो जाती है। इसी के साथ में व्हाट्सएप पर कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि फ्री में रिचार्ज हो रहा है, फ्री में इतने टाइम तक आपको डेटा मिल जाएगा, रिचार्ज मिल जाएगा, ये जीत सकते हो, वो जीत सकते हो। ये सब भी दोस्तों फिशिंग लिंक का ही एक सोर्स होती है। आप खुद से तो उस लिंक पर क्लिक करते ही हो दोस्तों, साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड कर देते हो और बहुत से लोग क्लिक भी करते हैं। तो प्लीज आपको ध्यान में रखना कि आपको तो क्लिक नहीं करना और साथ ही में ऐसे मैसेजेस दोस्तों फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फिशिंग के जरिए बनाई गई होती है और आपका डाटा हैक करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इस वीडियो को देखने से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और कमेंट में बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कितनी ज्यादा यूजफुल लगी और कभी किसी फिशिंग लिंक के जरिए आप फंसे तो नहीं हो और आप इससे कितना ज्यादा अवेयर हो। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड आपको काफी सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब प्रॉब्लम से रिलेटेड काफी ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।